जाएंगे। यहाँ CA मार्केट है तो बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है संडे यानी कि रविवार एंड ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे की नाइट से। तो बस रोटियां ही बना रही थी और हमारा फेवरेट मतलब मोस्ट फेवरेट सीरियल चल रहा था जो कि है प्रतिज्ञा। तो ये सीरियल किस किस ने पूरा फुल सीज़न वॉच किया था मुझे बताइएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि मैं तो एकदम मतलब भूत थी इस सीरियल को देखने के लिए, क्रेजी थी। आप में से कौन कौन था मुझे बताइएगा। अब मैं पूरे पुराने पुराने सीरियल निकाल निकाल के हम उसको कवर कर रहे हैं, हमारा टाइम पास बहुत अच्छा होता है। सो बस यहाँ रोटियाँ बना ली थी और उसके बाद मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। उससे पहले यहाँ किचन वगैरह सारा सब कुछ हो गया था क्लीन, उससे पहले क्या उससे बाद मैं ये कर रही हूँ एस्ट्रो का बर्तन वगैरह साफ। तो एस्ट्रो के बर्तन के लिए जो है स्कॉच ब्राइट और एक जो लोहे का तार होता है वो अलग से रखा हुआ है नीचे, तो बस उससे करके रखती हूँ और एक्वागार्ड से पानी भर के इसका। ये 2 से 3 बार मैं और आंचल एक दिन में मिलके करते हैं, तो क्या है कि थोड़ा साफ सफाई बनी रहती है और वो भी बिल्कुल फ्रेश एकदम ताज़ा पानी पी पाता है। और गर्मी का समय है, अगर आपके घर में भी पेट है तो उसके लिए बार बार थोड़ा बर्तन धो के और पानी भर के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बोल तो सकते नहीं है और हम भर के रखते हैं तो एस्ट्रो उसको पी भी लेता है पूरा पानी। गर्मी के समय में थोड़ी प्यास भी ज़्यादा ही लगती है। और बस इसके संग थोड़ा टाइम तो मुझे खेलना बहुत ज़रूरी है, जब मेरा काम हो जाता है तो दौड़ दौड़ के इसके संग खेलना, ये मेरे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हर दिन का रहता है इसके साथ। और काम करते करते भीग इतनी गई थी मैं, यहाँ सामने से पूरा सूट तो मेरा हो गया गीला और आप देख सकते हैं ये पसीने से एक्चुअल में गीला नहीं है, बस बर्तन वगैरह धोती हूँ उससे गीला हो जाता है। तो मम्मी वही बोल रही थी कि जाके सबसे पहले सूट चेंज कर ले, वैसे भी तुझे सर्दी लगी हुई है, और वो घूमते घूमते कब सूख गया पता नहीं चला। और यहाँ आराम से बैठ के हम लोगों ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 घंटा पूरा देखा है हमने, 4 से 5 एपिसोड अभी यही कवर कर रहे हैं हम लोग। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि सैटरडे को। तो जो ये किचन में रहता है, क्या बोलते हैं इसको, CC हैंड वॉश की बॉटल, हाँ हैंड वॉश की बॉटल, ये ख़त्म हो गई थी और ये वाला पाउच थोड़ा बचा हुआ था जिसमें पर्पल कलर का है ये भी डिटॉल का ही। सो बिल्कुल जैसे कि कलरफुल हो गया है, मल्टी कलर का हैंड वॉश इसमें मतलब डालने से हो गया, तो बस ये डाल के रखा और थोड़ा बहुत तो इसमें बचा हुआ रहता ही है। सो पानी डाल दिया इसमें और सैटरडे को सुबह मैंने बिल्कुल भी किसी भी सर्फ़ वगैरह से बेसिन वगैरह को मैंने नहीं धोया जो मैं नहाने से पहले धोती हूँ। तो ये जो पाउच था इसी में पानी डाल के, और ये कपड़ा भी मैंने अच्छी तरीके से रगड़ के धो लिया तो यूज़ में भी आ गया, बॉटल भी भर गई और बेसिन वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और बस ये सब काम करने के बाद मैं फिर सीधी गई हूँ मैं किचन में,
और काउंटर में पूरा साबुन से मैंने स्कॉच ब्राइट से साफ़ करके काउंटर को क्लीन कर लिया था, क्योंकि नहाने के बाद में फिर चाय पानी नाश्ता खाना सब कुछ बनाना ही है, और इसी टाइम पे एक बार मैं गैस को भी यानी कि चूल्हे को पोंछ लेती हूँ तो ऐसे ठीक रहता है। अब रात में हम सो रहे हैं, पता नहीं कौन सा कॉकरोच चल के गया, कौन सी छिपकली चल के गई, ये तो हमको पता ही नहीं है। और छिपकली का नाम तो ले लो तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना डर लगता है मुझे। फिलहाल ये वाले मतलब किचन में अभी तक तो मैंने देखी नहीं है। अब वही है कि अब मैंने बोल दिया है कि मैंने देखा नहीं है, तो अब एक दो दिन में ज़रूर दिख जाएगी, मिलने आ जाएगी। बस नहाने से पहले ये बादाम वगैरह भी छील लिए, सो बहुत सारे काम हो गए, टेबल वगैरह पोंछ ली और बस मंदिर के पास पोंछना बाकी रह गया था, सो ये यहाँ पर वो भी करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और भैया नहाने के बाद में तो ऐसा है कि पानी से एक बार नहा लो और उसके बाद फिर पसीने से नहाते रहो सारा दिन, मैं तो भीगी हुई रहती हूँ। गर्मी में मैं भीगी हुई रहती हूँ, वही पसीना मेरे बदन में सूख जाता है और बस इन्हीं सब वजहों से मैं बीमार पड़ती हूँ। सुबह सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी है और गले से आवाज़ भी ज़रा कम निकल रही है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, सो यहाँ से पहुँचने में आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा, दूर है घर से। और लेट भी उठी हूँ, रात में भी बहुत ट्राई कर रही थी, नींद अच्छे से नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी, ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ गले में, ये पूरा फूल गया है। वैसे मेरा डबल चिन तो है ही, बट यहाँ टॉन्सल से ये ज़्यादा ये वाला पोर्शन ज़्यादा दर्द कर रहा है मुझे। तो दवाई तो ली है बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार दिखा लूँ डॉक्टर को तो अच्छा रहेगा। सो आंचल जाएगी साथ में, पूजा तो करूँगी तो पूजा करने में भी थोड़ा समय मुझे लग जाता है। सुबह से पसीना इतना आ रहा है, बस अब पर्दा खोलूँगी, लाइट कितनी है पर्दा खोलने के बाद देख लीजिए। सुबह समझ लीजिए कि 7 भी नहीं बज पाए हैं, इतनी धूप। वही अप्रैल का महीना आ ही गया है, अप्रैल मई में जम के गर्मी पड़ती है कलकत्ता में। ये पूरी पसीना स्वेटिंग देखिए पूरा, तो मतलब पहले पानी से नहा लेते हैं फिर पसीना में तो नहाते ही रहते हैं। जा रही हूँ पूजा करके, थोड़ा समय भी लगेगा, अपना नाश्ता वगैरह करके फिर निकलती हूँ डॉक्टर के पास में, दिखा लूँ तो सही रहेगा। ऐसे बात करती रहूँगी तो फिर डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है उसका समय आ जाएगा और हम लोगों का एकदम फर्स्ट नंबर है तो जल्दी शायद हो जाएगा। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए और गंगा जल का छिड़काव कर रही हूँ। सो मम्मी हमारी आराम से स्टूल पर बैठी हुई हैं और डेली का इनका ये एक मतलब नियम है कि नहाने के बाद में सत्तू पी लेती हैं, उसके बाद कुछ नहीं तो 20 से 25 मिनट बैठती हैं थोड़ा धूप में, यानी कि बैक साइड से बैठती हैं, क्योंकि विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और हाँ, इतनी भी सनलाइट मत लगा लीजिए अपने बॉडी को कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं, क्योंकि एक्सेस सनलाइट भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। अगर हाँ, थोड़ी बहुत धूप तो ज़रूर से लगनी चाहिए, वो बहुत सही रहती है। और यहाँ पूजा हो चुकी है, शनिवार का दिन था तो हनुमान चालीसा का और संकट मोचन का पाठ भी किया, फिर आरती की, पूरे घर में धूप भी घुमाई है। तो जिस दिन सैटरडे होता है उस दिन 2 बार पूरे घर में धूप घूमती है, एक तो मैं पूरा हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ तब मैं घर के एक एक कोने में धूप घुमाती हूँ वॉशरूम को बंद करके। हमेशा जब भी आप धूप घुमाएं वॉशरूम को सबसे पहले बंद कीजिए, तब पूरे घर में धूप घुमाइए और उसके बाद में फिर मेन द्वार पे धूप देके फिर मंदिर में रखिए धूप। सो यहाँ पूजा हो गई थी और यहाँ जल्दी सब कुछ जैसे कि काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा था डॉक्टर का अपॉइंटमेंट और सबसे पहला फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा ही था,
तो फिर मैंने जल्दी जल्दी किया तो आंचल ने बोला कि बिल्कुल वो पनीर की भुर्जी थोड़ा जो वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं तो बिल्कुल वेट लॉस रेसिपी है। मैंने जितना तेल डाला है आप उससे भी कम कर सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छा नॉनस्टिक का बर्तन है तो फिर आप कुछ भी मत डालिए तेल या घी। बट बना भी था, देखिए 200 ग्राम पनीर है, 2 बड़ी प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, और उसको क्या कहते हैं शिमला मिर्ची है, ढेर सारा हरा धनिया है, तो सब्जी भी बन के ज़्यादा हो गई। तो फिर उतना सा तेल तो थोड़ा डालना बनता है, उससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वेट लॉस रेसिपी भी है, बहुत अच्छी है, टेस्टी है। सो यहाँ सबसे पहले तो चढ़ा दिया मैंने दूध, और बस देखिए ये इतना सा तेल मैंने डाला है और आराम से 4 आदमी की सब्जी बनी है, और चाहे तो 5 आदमी में भी बांट के खा सकते हैं, सब्जी इतनी बन गई थी। तो चॉपर में ये 2 टमाटर और 2 प्याज मैंने डाला है, 3 से 4 हरी मिर्ची को बीच में से चीर के डाल रही हूँ, क्योंकि ये चॉपर है तो बहुत अच्छा, मगर इसमें क्या है कि मिर्ची इसमें नहीं कट पाती है, तो इसमें थोड़ा छोटा टुकड़ा करके डाल दो तो बढ़िया हो जाता है। सो यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी तो मैंने कर ली थी, और उसके बाद में फिर चढ़ाई है चाय, क्योंकि चाय नाश्ता करके फिर डॉक्टर के पास भी निकलना था, और डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ मैं, और इतनी बढ़िया दवाई उन्होंने दी है कि आप मेरी आवाज़ से ही समझ पा रहे होंगे, कहाँ मैं 2 दिन पहले बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही थी। और ये जो टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है ना, ये मेरा आज का नहीं है, ये बचपन से मैं मतलब इसको जूझ रही हूँ, इसके साथ में हर आए दिन मुझे होता ही रहता है। चलिए फ़िलहाल ये वेट लॉस रेसिपी आपको बताती हूँ। बिल्कुल ज़रा सा सरसों तेल डाला था, कुछ खड़े मसाले डाले हैं, 1-2 स्टिक सिनेमन की, 2 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता को मैंने तोड़ के डाल दिया है, और जो चॉपर में प्याज टमाटर और हरी मिर्ची मैंने की थी तो बस उसको डाल दिया है। अब इसको भून तो सकते नहीं है क्योंकि ये जल जाएगी, इसमें तेल मतलब ना के बराबर है। हल्का सा मैंने नमक डाल के उसको ढक दिया है क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो बस वैसा ही मसाला चलेगा तभी वेट लॉस रेसिपी बन पाएगी। फिलहाल यहाँ चाय बन गई थी तो अपने और मम्मी के लिए मैंने चाय छानी है, और उसके बाद में हमने बैठ के चाय वगैरह पी है, और ये जस्ट एक ही मेरे पास शिमला मिर्ची बची थी, बड़ी साइज़ की थी तो इसी में कर ली। अब इतना छोटा सा जैसे टुकड़ा करने के लिए जाओ तो कितना टाइम लगता है, इसमें इजीली हो जाता है, इसमें बड़े छोटे हर टाइप के ही टुकड़े सब्जी के हो जाते हैं, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है गैजेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और चलिए यहाँ थोड़ी देर यानी कि 5 मिनट स्लो गैस पर छोड़ दिया था, टमाटर पूरे सॉफ्ट हो गए, बस मैंने साथ के साथ ही शिमला मिर्ची को डाल दिया, और उसके बाद में 1 चम्मच मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, पेस्ट ना हो तो काट के भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी डाली है, तो बस इसको चला के अब फिर से इसको ढक रही हूँ ताकि जो शिमला मिर्ची है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। आपको थोड़ा क्रंच ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा कम पका लीजिएगा। और ये ABC जूस है, ये आंचल पीती है, यानी कि एप्पल कैरेट एंड बीटरूट का जूस है, तो ये मैंने शूट तब किया है जब ये बन चुका था। आने वाले व्लॉग में मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी दे दूंगी, या आंचल ही दे देगी, अब तो आप जानते हो उसका चैनल है तो उसमें भी आ जाएगी। सो बस यहाँ पे उसने ये पी लिया था, और ये भी इम्यून बूस्टर होता है, बहुत अच्छा होता है ABC जूस, तो आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पे ये सॉफ्ट हो गई थी सब्जी, तो बस ये 200 ग्राम जो पनीर है, ये अमूल पनीर है, इसको मैंने थोड़ा सा मैश करके डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ढेर सारा हरा धनिया, और बस चला के थोड़ी देर के लिए मैंने इसको और ढका है, हार्डली 30 सेकेंड के लिए बस। और ये सब्जी देखिए बनके रेडी है, शक्ल कितनी बढ़िया है, वेट लॉस के लिए परफेक्ट है और डेली के खाने के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि डेली इतना ज़्यादा तेल घी नहीं अच्छा है। हाँ, घी कहीं ना कहीं शरीर के लिए अच्छा होता है, तो 2 चम्मच घी डेली खाना चाहिए, पिघला हुआ घी की बात कर रही हूँ, जमा हुआ नहीं, जमा हुआ तो 2 चम्मच यानी कि 6 चम्मच हो जाएगा अगर उसको पिघलाया तो। तो यहाँ सब्जी तो बन के हो गई थी रेडी, बस इसके साथ में नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी बनाई थी और साथ में एक एक खीरा ले लिया था। सो शक्ल देख लीजिए आप, कोई बोल नहीं सकता कि इतने कम उसमें बना है। तो बस उसके बाद हम डॉक्टर के पास रेडी होके निकल गए थे, और जब डॉक्टर से हमने विजिट किया है तो उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि 2020 में जो पैंडमिक सिचुएशन आया था, कोविड आया था, उस टाइम पे जो वैक्सीनेशन थे वो आपने लिए थे? तो मैंने कहा मैंने लिए थे। फिर उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर डोज था वो आपने लिया था?
तो वो तो मैंने वाकई में नहीं लिया था। तो वही उन्होंने कहा कि यही सब आप लोग गलतियां करते हैं, बूस्टर डोज लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा मत सोचिए कि 2020 में कोविड आके चला गया तो ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन इन फ्यूचर नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी बंधा हुआ नहीं है, कभी भी ये सब हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिए और अपने डेली के खाने में कुछ ऐसी साग सब्जियां, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। और बूस्टर डोज तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही हमारे लिए, तो यही सलाह दी उन्होंने। अगर आप में से भी किसी ने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो प्लीज़ विजिट डॉक्टर। डॉक्टर को तो दिखा लिया है, दवाई भी दी है। यहाँ बस ये सॉल्ट लेक में है हम, यहाँ CA मार्केट है तो बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है। सोच रही हूँ कि घर जाने से पहले यहीं से मैं दवा लेती चलूँ, तो घर जाके रोटी खा के और दवाई ले लूँगी, एक डोज ले लूँगी तो फिर थोड़ा आराम भी पड़ जाएगा। ये पूरा एकदम ऐसे फूल गया है। बाकी अब जा रही हूँ घर, चीची है मेरे साथ में, बस दवाई लेके जा रही हूँ घर। सो बस चलते चलते यहाँ हम पहुँच गए थे CA मार्केट और यहाँ से हमने मेडिसिन ली है, उसके बाद में फिर हमने कैब की है और हम पहुँच गए हैं घर। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक बार बूस्टर डोज के बारे में ज़रूर सोचिएगा अगर नहीं ली है तो।